नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को लच्छीवाला वन विश्राम गृह में आदर्श औद्योगिक स्वायत्तता सहकारी समिति के द्वारा आयोजित भारत संस्कृति एवं उसका महत्व और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए सतत प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बेटियां आज किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है, वे हर क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बद्रीपुर देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 508.75 लाख की लागत की योजनाओं का शिलान्यास और 416.06 लाख की लागत की योजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के 151.13 लाख की बद्रीपुर पेयजल योजना का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मेयर सुनील उनियाल गामा और मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी धीरेन्द्र पंवार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। शुक्रवार को केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के लिए 5400 करोड़ रुपए की लागत से 250 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें 5000 करोड़ के राजमार्गों का लोकार्पण और 400 करोड़ के राजमार्गों का शिलान्यास शामिल था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्य की सीआरएफ की स्वीकृति को 10 गुना कर दिया गया है। गडकरी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बहुत सी अड़चनों के बावजूद भी इन प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया गया है। हरिद्वार के चौधरी चरण सिंह वीआईपी घाट पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों को जो सौगात दी है उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश लगातार विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। उन्होंने शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में हरिद्वार में काफी तेजी से कार्य हुए हैं। ये पहला अवसर है जब एक साथ 5000 करोड़ रुपए के कार्यों का शुभारंभ हो रहा है। मुजफ्फरनगर से रुड़की, रुड़की से हरिद्वार, हरिद्वार से लाल तप्पड़, लाल तप्पड़ से देहरादून, रुड़की से भगवानपुर, देहरादून, इधर बाईपास सड़कें और 3-4 परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। हम नितिन गडकरी जी के बहुत आभारी हैं जिन्होंने आज हरिद्वार की पूरी काया पलट कर दी। और आपने देखा कि हरिद्वार में और रिंग रोड की भी उनको स्वीकृति मिली है। ऑक्सफेम ट्रस्ट की ओर से अंतरदेशीय नदियों की स्वच्छता को लेकर पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल के नागरिकों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों देशों के नागरिकों ने भारत नेपाल के बीच बहने वाली महाकाली नदी की साफ सफाई को लेकर चर्चा की। इस दौरान मौजूद लोगों ने कहा कि दो देशों के बीच बहने वाली नदियों की साफ सफाई के लिए दोनों देशों के नागरिकों और सरकारों को पहल करनी चाहिए। ये सभी जो अंतरदेशीय नदियां हैं इसका जल कैसे मतलब सफा रखा जाए और कैसे इसमें एडवोकेसी किया जाए, क्योंकि ये पवित्र गंगा का नदी है जो आदमी धार्मिक हिसाब से इसमें नहाते हैं, मंदिर में ले जाके पानी का पूजन करते हैं, तो ये नदी बहुत गंदी होती जा रही है। इसको साफ रखने में भारत साइड के समुदाय और नेपाल सरकार के समुदाय और नेपाल सरकार और नेपाल की स्थानीय सरकार और भारत की स्थानीय सरकार और भारत की केंद्रीय सरकार, ये सभी लोगों का ध्यान इसमें होना चाहिए और नदी को कैसे पवित्र रखा जाए इसी विषय में छलफल करने के लिए गोष्ठी का यहाँ आयोजन किया। टनकपुर से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू किए जाने पर पिथौरागढ़ के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई वितरित कर खुशी का इजहार किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ट्रेन सेवा से पिथौरागढ़ जिले के लोगों को भी दिल्ली आने जाने में सुविधा होगी। आज हम इस पिथौरागढ़ जनपद से सस्ती सेवा लेकर और एक ऑल वेदर सड़क के माध्यम से 700 रुपए में दिल्ली तक की यात्रा इस ट्रेन के माध्यम से हम करेंगे। हम धन्यवाद देना चाहेंगे देश के रेल मंत्री को कि उनके द्वारा एक ऐतिहासिक कार्य हमारा ये हुआ है। इसके लिए हम बार बार धन्यवाद देना चाहेंगे सरकार को कि ऐसे काम इससे पहले रेल मंत्री जी ने इस प्रदेश के लिए 4,432 करोड़ रुपया इन रेल परियोजना के लिए बजट में रखा गया है।
सीमांत जिला पिथौरागढ़ फिलहाल कोरोना को मात देकर जंग जीत चुका है। जिले में अब कोरोना का कोई भी एक्टिव केस नहीं है। पिथौरागढ़ जिले में 27 मार्च 2020 को कोरोना का पहला मामला सामने आया था, जहां गंगोलीहाट की 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला को कोरोना हुआ था। तब से अब तक जिले में कुल 3,138 लोगों को कोरोना हुआ, जिनमें से 49 लोग कोरोना की वजह से जिंदगी की जंग हार गए। पिथौरागढ़ जनपद में 27 मार्च को पहला केस गंगोलीहाट का आया था। 80 साल की बुजुर्ग महिला थी, उसका 27 जुलाई को पहला केस एक्सपायर हुआ था, जो 52 साल के थे। अब तक जो है 3,138 केस आ चुके हैं, जिसमें से 49 केस अब तक मुंशियारी वाले केस को मिला के हमारे यहाँ कोरोना से डेथ हुई है। इस समय पिथौरागढ़ में एक भी कोई भी एक्टिव केस नहीं है, इस समय कोरोना मुक्त हैं हम। लेकिन जनता से विशेष आग्रह है कि वो अभी भी मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, ताकि हम किसी भी तरह की आने वाली परिस्थिति से लड़ सकें। जीएसटी सरल बनाने की मांग को लेकर पिथौरागढ़ के व्यापारियों ने एसडीएम के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा। व्यापारियों का कहना था कि सरकार ने जीएसटी में 500 से ज्यादा संशोधन कर दिए हैं, जिससे जीएसटी अत्यधिक जटिल हो गया है। व्यापारियों का कहना कि सरकार ने जीएसटी लगाते वक्त एक देश एक कर की बात कही थी और कहा था कि जिससे व्यापारियों को काम करने में सरलता होगी, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे भारतवर्ष में लगाई गई थी तो ये कहा गया था एक राष्ट्र एक कर, और ये बहुत सिंपल होगा, बहुत आसान होगा। लेकिन जीएसटी लगने के बाद करीब करीब भारत सरकार ने इसमें 500 से ज़्यादा संशोधन कर दिए गए, लेकिन संशोधन करने के बावजूद भी जो है इतनी कठिनाइयां इसमें इस वक्त व्यापारियों को हो रही हैं कि जिसको संज्ञान में अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं लिया है। तो सारे व्यापारी संगठनों ने ये निर्णय लिया है कि इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे, और अभी इस आंदोलन को अभी ज्ञापन के माध्यम से सूचित कर रहे हैं। इसके बाद ये अनिश्चितकालीन बंद और अन्य उग्र आंदोलन व्यापारी करेगा। इसमें नेहरू युवा केंद्र पिथौरागढ़ के जल संरक्षण पर राजकीय इंटर कॉलेज कार्किनगर में पेंटिंग और एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन प्रधानाचार्य लता बिश ने किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पानी के कम होते स्तर को देखते हुए जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना काफी महत्वपूर्ण है। पूरी विश्व की समस्या जो मैं कहूँगी, पूरे विश्व में जो है जल की समस्या बनी हुई है, और जो है विश्व क्या भारत में भी पूरी बहुत ज्यादा जल की समस्या है। तो अब जो है हम सब लगातार जो है जो आज आपने प्रतियोगिता कराई, बहुत ही अच्छा बच्चों में उत्साह के साथ बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, और जो है वो उनको ये भी जानकारी रही कि हम जल का संरक्षण कैसे करेंगे और किस तरीके से भविष्य में जल को हमने जो है किस तरह से संरक्षण करना है, वर्षा के जल का कैसे संरक्षण करना है, या जो है नदी नौले धारे जो भी हमारे इत्यादि यहाँ पर जो चीजें हैं उनका हम संरक्षण कैसे करेंगे और जल की सुरक्षा कैसे करेंगे। पिथौरागढ़ के द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज कार्किनगर में पेंटिंग प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें पेंटिंग प्रतियोगिता जल संरक्षण सेव वाटर के उस पर कराया गया, जिसमें हमारे जिला संयोजक श्री ध्रुव डोगराज जी ने जल को कैसे बचाया जा सकता है इसमें एक बहुत बड़ी पहल की गई है, और इसको हर ब्लॉक हर गांव-गांव में जाकर नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों द्वारा यह प्रोग्राम कराया जा रहा है। पहाड़ों में एक बार फिर पर्यटकों ने रुक करना शुरू कर दिया है। विश्व पर्यटन स्थल चौकौड़ी पर्यटकों से गुलजार होने लगा है। पिछले एक वर्ष से कोरोना के कारण पर्यटक आवास गृह बंद पड़ा था। इन दिनों पर्यटक आवास गृह में भी कई राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। चौकड़ी में घूमने के लिए आया, बहुत अच्छी जगह है केएमबीएन, मैंने पहले भी घूमा, केएमबीएन सबसे बढ़िया जगह है रुकने के लिए, और अच्छी लगी हम पूरा सब लोग को। इसके बाद हम लोग मुंशियारी जाएंगे। कॉटेज जो है ना, इतना अच्छा कॉटेज है ना, उसका जो है ना सीनारी के लिए वो जो पिक्स के लिए जो बड़ा वाला जानला जो है ना, बड़ा जानला जो विंडो जो है ना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बागेश्वर की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से रसोई गैस के दाम जिला स्तर पर कम किए जाने की कवायद का अब असर नजर आ रहा है। पूर्ति विभाग ने पूरे शहर में रसोई गैस की एक ही कीमत लागू करने के आदेश जारी किए हैं, जिससे शहर के 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले सैकड़ों परिवारों को 43 रुपए तक का फायदा होगा। हमारे जिले में काफी लंबे समय से कंप्लेन आती थी कि बिलोना और मंडलसिरा में अलग अलग रेट हैं। बिलोना में जो आज 8 का रेट मानो 832 रुपए प्लस 43 रुपए और लेते थे, मतलब 875 रुपए लेते थे। ऐसे मंडलसिरा में 832 प्लस 25 रुपए और लेके 857 रुपए लेते थे। तो इस संबंध में इनसे मैनेजर से काफी दिनों से हमारा पत्राचार वगैरह चल रहा था,
तो आज हमने इनके मंडली प्रबंधक से भी बात करी, तो वहाँ ये बात क्लियर हुई कि ये जो एक्स्ट्रा अभी ये चार्ज ले रहे हैं ये गलत है, और एक मार्च से सिर्फ इन्हें 18 रुपये ही मतलब एक्स्ट्रा इन्हें लेना है, जो कि 832 रुपये में इंक्लूडेड है। तो इस तरह से अब जनता को जो है सिर्फ 832 रुपये ही देना होगा, चाहे मंडल सेरा मिले चाहे वो पिलोना मिले, इसके अलावा जो भी स्पॉट डिलीवरी है वहाँ भी 832 रुपये पे ही देना होगा। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।